देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊंगा। पिछली सरकार भूपेश बघेल की सरकार थी, उसने पूरे 5 साल में लगभग 50,000 करोड़ का कर्ज लिया, जिसमें अगर GST को हटा दें, जो केंद्र सरकार का लोन के रूप में सहयोग रहता है और GST का जो सहयोग रहता है, अगर उसको हटा दें तो लगभग 41,000 करोड़ का कर्ज होगा, जो कि अगर 5 साल में डिवाइड करें तो हर साल के हिसाब से 8,000 करोड़ के आसपास बनता है। उस समय पूरे सत्र के दौरान कोविड काल भी आया। कोविड काल में केंद्र सरकार ने ये कहा कि भाई आप लोन ले सकते हैं, लोन लेके अपने काम को पूरा कर सकते हैं। ये सिचुएशन रहा 5 साल के अंतर्गत। ये पिछले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में परसेप्शन बनाया कि भूपेश बघेल की सरकार कर्ज ले लेकर छत्तीसगढ़ को डुबा दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ 41,000 करोड़ का कर्ज टोटल 5 साल में हुआ और पर साल 8,000 करोड़ का कर्ज होता है। इस सरकार को बने हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के अंदर में इन्होंने 13,000 करोड़ का कर्ज लिया है, जिसको कल मैंने अपने विनियोग भाषण में इसको रखा और वित्त मंत्री जी इस बात को उन्होंने कहा सदन में कि हाँ, हमने 13,000 करोड़ का कर्ज लिया। इस तरह से अगर कर्ज लेने की गति रहेगी तो आने वाले समय में इस साल, ऐसा मेरा मानना है, अभी कुछ कह नहीं सकते लेकिन अनुमान ये है कि अभी से 13,000 करोड़ का कर्ज लिया है तो ये साल के अंत होते होते वो 20,000 करोड़ का कर्ज हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि कांग्रेस की सरकार कर्ज ले लेके डुबाई है, वो इस छत्तीसगढ़ को कहाँ लेके जाना चाहती है।